हेलो एवरीवन, मैं पूजा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। पूजा के सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी को अच्छा लगता है कि उनके चेहरे पे निखार हो और उनकी स्किन है जो ग्लो करे और उनकी स्किन हेल्दी हो। तो सभी को अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए ग्लोइंग अगर फेस है तो चार चांद लग जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे होम मेड फेस पैक बताऊंगी जो कि आप यूज़ करके अपनी स्किन को बिल्कुल ही सॉफ्ट बना सकते हैं, आप ग्लोइंग बना सकते हैं और अपनी स्किन को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं आप। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके किचन में ही सारा सामान है, मिल जाएगा। आप शहद यूज़ करते होंगे अपने डेली डाइट में, कुछ इंसान करते हैं, और जो कि नींबू पानी और शहद मिक्स करके पीते होंगे। तो उस शहद में हमारी सेहत को इम्प्रूव करने के साथ साथ काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बना देगा, बिल्कुल हमारी रंगत को निखार देगा और हमारी स्किन ऐसे ग्लो करेगी, हमें ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आज आपको एक एक करके जो फेस पैक आप अप्लाई कर सकते हैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो नींबू का रस होता है उसके अंदर आपको शहद मिक्स करके कुछ देर के लिए अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, मसाज करनी है और 15-20 मिनट के बाद आप इसको धो ले। नॉर्मल पानी से ही, ना ज़्यादा गर्म हो पानी, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और आजकल वैसे भी जो सर्दियों का मौसम शुरू हो ही चुका है अब, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा नरम गर्म पानी ही यूज़ करना है चेहरा धोने के लिए, ताकि जो ड्राइनेस आपके चेहरे पर ना आ सके। कई बार हम गर्म पानी से चेहरा धो लेते हैं। तो इस फेस पैक को नींबू का रस और शहद मिक्स करके आपकी जो स्किन है वो चमकदार हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। इसको आप वीक में आप इसको एक बार या दो बार अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो बात है आपको ध्यान रखनी है वो है कि जो मिल्क पाउडर होता है उसके अंदर आपको शहद मिक्स करना है और उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। जो आईज़ का एरिया होता है यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत डेलिकेट स्किन होती है, बहुत सारे जो फेस पैक हैं वो हमको आईज़ के पास नहीं लगाने चाहिए। कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि रिंकल्स बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। मिल्क पाउडर में शहद मिक्स करके कुछ देर के लिए आप अप्लाई कीजिए, जो स्किन है वो बिल्कुल आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और कोमल स्किन हो जाएगी आपकी। 3-4 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जो डेड स्किन है आपकी बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपके जो सेल्स हैं फेस में एक्टिव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो फेस पैक है आपको क्या करना है, जो टमाटर का रस होता है उसके अंदर आप जो शहद है मिक्स करके अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही हमारी स्किन को निखारने में मदद करता है, तो आप इसको वीक में 3 या 4 दिन के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 15 या 20 मिनट्स के लिए आप इसको हल्के हाथों से थोड़ा मसाज करके छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। उसके बाद मॉइस्चर लगाना कभी भी ना भूलें। कोई भी फेस पैक आप यूज़ करते हैं, कोई भी हो चाहे वो, तो उसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस पे मॉइस्चर जरूर लगाना है। कोल्ड क्रीम अप्लाई कर सकते हैं आप हल्के हाथों से, जैसे कि पानी लगाकर हाथों पे थोड़ी ही क्रीम रख के उसको अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे अच्छे से आप ऊपर की साइड मसाज कर सकते हैं, तो जिससे कि आपकी स्किन है जो डिहाइड्रेट नहीं होगी, हाइड्रेट रहेगी और स्किन में जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, वो भी नहीं पड़ेंगे और ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, एक फेस पैक आप अप्लाई कर सकते हैं वो है कि जो केला होता है उसको आप मैश कर लीजिए, उसके अंदर आप शहद मिक्स कीजिए और उसको आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स है सारी दूर हो जाएंगी, आपका निखार बढ़ जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी शाइनी स्किन हो जाएगी और कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। या डेड स्किन है, टैन हो गई है, तो इनको आप यूज़ करके देखिए और आपकी त्वचा पे एक अच्छा ग्लो आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। एक फेस पैक और आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन पे निखार लेकर आएगा, तो वो है दही है, और उसमें आप थोड़ा सा शहद मिक्स करके लगाइए। मैं भी इसको अप्लाई करती हूँ, और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो ही चुका है जिससे कि हमारी स्किन एक बेजान हो जाती है और ड्राइनेस आ जाती है हमारे फेस पे, तो उसको दूर करने में और रंगत को निखारने में काफ़ी कारगर है। दही में थोड़ा सा शहद मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई करके आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और हल्के हाथों से आप मसाज भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर आप नॉर्मल पानी से ही अपना चेहरा धो लीजिए।
और मॉइस्चर कर लीजिए अपने चेहरे को। कई बार ओली स्किन होती है तो आप ओलिव ऑयल लेके उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स करके आप उसको माइक्रोवेव में या हल्का गर्म कर सकते हैं, या आप उसको थोड़ा सा गैस पे भी गर्म कर सकते हैं। हल्का ही गर्म करना है, आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो उसको थोड़ा सा नरम गर्म करके आप उसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, तो जो भी आपकी स्किन है ऑयली होती है तो ऑयल कम हो जाएगा। आप इसको वीक में दो बार यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फेस पैक है आपको 4 या 5 दिन के बाद ही अप्लाई करना है। जैसे कि आज आपने कोई एक फेस पैक अप्लाई किया है तो उसको आप 4-5 दिन के बाद ही अप्लाई कीजिए और फिर अपने चेहरे को धो के आप मॉइस्चर कर लीजिए। बेसन का फेस पैक है, अप्लाई कर सकते हैं। बेसन के अंदर क्लींजिंग के गुण होते हैं, हमारी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाता है। तो बेसन के अंदर शहद को मिक्स करके आप अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। और आपको ध्यान रखना है आईज एरिया के पास आपको नहीं करना है, क्योंकि बेसन है जो थोड़ा दरदरा ही होता है और वो हमारी स्किन को स्क्रब करने में काफ़ी कारगर होता है। तो उसको आईज एरिया जो होता है, अंडर आई एरिया, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। तो इसको आप चेहरे पे लगाइए और देखिए फिर कैसे आपके चेहरे की रंगत निखरती है और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। आपको महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही मौजूद हैं। और सिर्फ सुनिए ही नहीं, आप अप्लाई कीजिए। मैं भी अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन के लिए, तभी आपके सामने शेयर कर रही हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लोइंग है। और मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ अपनी स्किन के लिए, बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, और आप भी मत कीजिए। और ये जो हमारी किचन जो खजाना है हमारे चेहरे की स्किन को निखारने के लिए, तो आप इनको अप्लाई करना शुरू कीजिए और सर्दी में अपने चेहरे पे 4 चांद लगाइए, आप इनको यूज़ कीजिए। जल्द से जल्द जल्द हाजिर होती हूँ ऐसे ही अच्छे ब्यूटी टिप्स लेकर, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। सो फ्रेंड्स, पूजा के सफर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स।